प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश एवं मुंबई के अनेक भागों में कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में घाटकोपर पश्चिम में असलफा मेट्रो स्टेशन के नीचे मोदी थाली भोजन के साथ मिष्ठान वितरित किया गया। भाजपा उत्तर मध्य मुंबई जिला उपाध्यक्ष शुभ्रांशु दीक्षित के नेतृत्व में कोरोना लॉकडाउन के कारण समाज के जरूरतमंदों को रोजाना दोपहर में मोदी थाली वितरित किया जा रहा है। सोमवार को भाजपा महासचिव संजय उपाध्याय इस मोदी थाली वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ नगर सेवक हरीश भांदिरगे, जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश शेट्टी, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और आयोजक शुभ्रांशु दीक्षित सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि साई श्रद्धा प्रतिष्ठान व भाजपा के संयुक्त संयोजन में 25 मई से शुरू हुए इस अभियान को भाजपा के 7 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगे लॉकडाउन रहने तक जारी रखा जाएगा। इस योजना में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगभग 250 लोगों को रोजाना मोदी थाली के साथ राशन किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये आज मोदी जी का हम लोग सेवा सप्ताह है, जो 7 साल पूरा होने पे यहाँ पे नियोजन है, खाने का नियोजन चालू है और काफ़ी दिन तक चलेगा। और खुशी के मारे हम साथ में खाने के साथ साथ लाडू भी दे रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग घर घर पर प्रयास करें और एक कंटिन्यू हमारा एक मोदी किट और मोदी थाली भी लोग घर पर चालू है। और हम लोग जो जो लगता है शाम को तकलीफ, हमको फ़ोन आता है, मैसेज आता है, उनके घर पर हम लोग राशन किट, जिसको रियल में तकलीफ है, राशन किट और साथ में खासदार थाली के साथ साथ भी हम लोग मोदी थाली भी घर पर जाके दे रहे हैं लोगों को। अभी देखिए यहाँ पे रोजाना 200-250 लोग आते हैं और एक तो उनको भी एक उत्साह मिलती है, जैसे मोदी जी को जो देखते, जो लाइक करते, जो राष्ट्र के बारे में सोचते, तो लोग भी 250-300 लोग आते हैं यहाँ पे। और ये कार्यक्रम 5वां दिन है और ये मोदी सप्ताह चालू है जो 3 तारीख तक रहेगा। और मुझे लगता है कि जनता में बहुत बड़ा उत्साह है और आने वाले समय में मोदी जी के बारे में जो अच्छा सोचते हैं, सब लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।